उत्तर प्रदेश के कस्बा छपार निवासी अब्बास को बीती 9 मार्च को रात्रि के 9 बजे गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें सादिक पुत्र जमीरू निवासी जोड़ादा नारा थाना मंसूरपुर व महताब पुत्र तजीम निवासी छपार को नामजद करते हुए छपार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के 3 माह बीत जाने के बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से अब्बास की पत्नी फरजाना ने हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री सहित राज्य अल्पसंख्यक आयोग को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है तथा इंसाफ न मिलने पर परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी ने छपार पहुंचकर छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा के साथ अब्बास तथा उसकी पत्नी फरजाना से बात की तथा उनके बयान दर्ज किए। इस गोलीकांड का एक आरोपी छपार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा दूसरे की गिरफ्तारी के पुलिस प्रयास कर रही है। आयोग सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी को दिए गए बयान में अब्बास व उसकी पत्नी ने वर्तमान में पुलिस कार्य से वही संतुष्ट बताया तथा आत्मदाह के निर्णय को वापस ले लिया है। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार त्यागी, विष्णु त्यागी, विजय पाल त्यागी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुदर्शन बेदी आपके साथ हैं, थे उन्होंने आपसे पूछताछ की, आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? कितने मुलजिम पकड़े गए इसमें? एक पकड़ा गया, एक रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? वो पकड़ा जाएगा, ये पकड़ना चाहिए पुलिस प्रशासन को। 9 मार्च 2020 को छपार में हुआ था, उसने अल्पसंख्यक आयोग में एप्लीकेशन दी थी। सर आप मौके पर पहुंचे, क्या पाया सर? मेरा नाम पहले सुदर्शन सिंह बेदी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश। मुझे कल ही लखनऊ से फ़ोन आया था कि आपको सबको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से दफ्तर बंद थे, इनकी एप्लीकेशन आने पे उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके अब्बास जी से मिल के आओ, क्योंकि उनकी पत्नी ने आत्मदाह कही अपनी एक भेजी थी कि मैं आत्मदाह कर लूँगी यदि कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा है, खुद अब्बास जी ने बताया, मैंने बयान लिए कि एक मुलजिम पकड़ा गया है, दूसरा मुलजिम पकड़ा जाएगा। मेरी अभी कोतवाल साहब से ही बात होगी, उसे भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। और जो इनकी पत्नी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब आत्मदान नहीं करूँगी। सर क्या दोनों पति पत्नी संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से? इन्होंने मुझे संतुष्ट के लिए अभी कहा है, यदि ये भी यहाँ यहीं पर हैं आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि वो संतुष्ट हैं, क्योंकि जब उन्हें इसलिए संतुष्ट है कि उनकी कार्रवाई पे एक मुलजिम पकड़ गया। ये तो आपको भी मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना जो महामारी चली हुई थी उस चक्कर में